हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल आपसे बात करूंगा कि 41,556 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए क्या चल रहा है। तो उसके संबंध में आज एक न्यूज़ आई है, जो है नियुक्ति पत्र के लिए 30 अगस्त को जिला आवंटन सूची। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी न्यूज़। परिषदीय स्कूलों में 41,556 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिला आवंटन सूची 30 अगस्त को जारी होगी। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मंगलवार की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर ऑनलाइन जिला वरीयता और अन्य सूचियाँ या सूचनाएँ दे सकते हैं। मतलब आज 28 अगस्त है, आज मंगलवार है, तो आज 5 बजे तक जो है सूचनाएं दी जा सकती हैं। इसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। परिषदीय मुख्यालय ने जिला आवंटन सूची को अंतिम रूप देने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 41,556 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से 21 अगस्त अपराह्न से वेबसाइट पर जिला वरीयता व अन्य सूचनाएं भराई जा रही हैं। मंगलवार को इस प्रक्रिया का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे वेबसाइट बंद हो जाने के बाद NIC लखनऊ अभ्यर्थियों के जिला आवंटन की सूची परिषद मुख्यालय को भेजेगा। परिषद इसमें अभ्यर्थियों को मिले गुणांक, भारांक और आरक्षण के आधार पर जिले को आवंटित पदों को देखते हुए दी गई वरीयता में से जिले को आवंटन करेगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिषद मुख्यालय की माने तो जिला आवंटन 29 अगस्त से 30 अगस्त तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी 1 सितंबर से होने वाली काउंसलिंग में सुविधा के अनुसार संबंधित जिले में पहुंच सके। याद हो कि काउंसलिंग 1 से 3 सितंबर तक आवंटित जिलों में होगी, वहाँ पर 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। परिषद इसके पहले अभ्यर्थियों को अपना मोबाइल नंबर बदलने व त्रुटि सुधारने के संबंध में निर्देश जारी कर चुका है। पूरी प्रक्रिया शासन में दिए गए कार्यक्रम के अनुरूप होनी है। इन नियुक्ति होने वाले शिक्षकों का अंतर जिला तबादला नहीं हो सकेगा और नियुक्ति बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 अद्यतन यथा संशोधित और विद्यालयों में पद स्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन यथा संशोधित के अनुसार की जाएगी। तो जो कार्य प्रणाली है 5 सितंबर को नियुक्ति देने के संबंध में, वो बहुत ही तीव्र गति से चल रही है और देखते हैं क्या होता है। 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है और प्रभात सर का प्रयास जो है वो सराहनीय होगा। वो हम लोगों के लिए एकदम कह सकते हैं मसीहा की तरीके से आए हैं और अच्छा लगता है कि ऐसे कार्य होता है। तब बाकी आज देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो बस ये इसमें इस न्यूज़ में यही था कि नियुक्ति पत्र जो है, नियुक्ति पत्र के लिए 30 अगस्त को जिला आवंटन सूची जो है बन जाएगी, फिर आप लोग देख सकेंगे और 1 से 3 सितंबर के मध्य जो है काउंसलिंग करा सकेंगे और 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन आज देखते हैं क्या होता है कोर्ट में, अगर सब अच्छा होगा तो ज़रूर मिलेगा 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र। तो बस इतनी न्यूज़ थी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।